हाय गाइस, आज हम आर के सेकंड पार्ट के बारे में जानेंगे। आर को कहाँ कहाँ यूज़ करते हैं। तो कल हमने क्लास समझी थी, ये तुम के साथ आर, आई मीन यू के साथ आर आता है। तो आर के और भी हम सेंटेंस बनाने चाह रहे हैं जिसके अंदर आर यूज़ होता है। तो पहला सेंटेंस लेते हैं, रमन और करण ईमानदार हैं। ईमानदार हैं। फोर सेंटेंस बना लेते हैं। पहले रमन और करण ईमानदार नहीं हैं। ये नेगेटिव वाला है। अभी थर्ड इंटेरोगेटिव, क्या रमन और करण ईमानदार हैं। एंड फोर्थ, क्या रमन और करण ईमानदार नहीं हैं? क्वेश्चन मार्क। अब हम इसके इंग्लिश बनाते हैं। रमन और करण ईमानदार हैं। तो सबसे पहले एक बार फिर से हम रूल लिख लेते हैं। ये रूल है, पहले सब्जेक्ट, फिर इज, एम, आर, फिर उसके बाद होता है ऑब्जेक्ट। इसमें सब्जेक्ट इज, एम, आर, फिर उसके बाद नॉट, फिर ऑब्जेक्ट। क्या वाले में इज, एम, आर पहले आता है, फिर सब्जेक्ट होता है, फिर ऑब्जेक्ट, क्वेश्चन मार्क। और इसी प्रकार फोर्थ में इज, एम, आर पहले होगा, फिर सब्जेक्ट, फिर उसके बाद नॉट, देन ऑब्जेक्ट, क्वेश्चन मार्क। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। अब हम इसे रूल के हिसाब से बनाते हैं इसकी इंग्लिश। रमन और करण ईमानदार हैं। सब्जेक्ट देखिए, किसके बारे में बात हो रही है? रमन और करण। अगर आपको सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट में कोई दिक्कत होती है तो आप पीछे क्लास में जाके आप समझ सकते हो। रमन और करण हो गए हमारे सब्जेक्ट। रमन और की इंग्लिश होती है एंड, करण। अब देखिए, ये सब्जेक्ट हमें पता चल गया, सब्जेक्ट इसके अंदर, फिर इज, एम, आर, इन तीनों में से क्या चीज आएगा? अब देखिए, रमन एंड करण ये दो व्यक्ति हो गए, यानी प्लूरल में हो गए ये, ज्यादा। तो ज्यादा के साथ हमेशा आर आता है। और ईमानदार को ऑनेस्ट बोलते हैं, ऑनेस्ट। अब इसी तरह इसी में देखिए, सब्जेक्ट तो आपको पता है, रमन एंड करण। अब इसके बाद सब्जेक्ट हमें लगा दे, इज, एम, आर आएगा, आपको पता है, फिर नॉट क्योंकि नहीं वाला है, एंड ऑब्जेक्ट क्या है? ऑनेस्ट, एंड फुल स्टॉप। पहले रमन एंड करण। अब देखिए रूल क्या, इज, एम, आर पहले आएगा तो मैंने आर लगा दिया। सपोज करो अगर रमन एंड करण के साथ क्या आता है? आर आता है, आर पहले आ जाएगा क्या वाले में, फिर सब्जेक्ट आ गया। अब ऑब्जेक्ट क्या है? ऑनेस्ट, ईमानदार, क्वेश्चन मार्क। अब इसके अंदर फिफ्थ में इज, एम, आर पहले आएगा तो आर, रमन एंड करण, सब्जेक्ट पहले ये इज, एम, आर, फिर सब्जेक्ट लगाया रमन एंड करण, देन नेगेटिव है तो नॉट, ऑब्जेक्ट है ऑनेस्ट।
एंड क्वेश्चन मार्क। आई होप आपको समझ में आया होगा आर को कहाँ यूज़ करते हैं सिंपल वाले सेंटेंस में। थैंक यू वेरी मच।